मैं मुकेश और आप देख रहे हैं योर ओपिनियन। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो रेलवे ने इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए जारी किया नोटिफिकेशन उसके बारे में। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, आपको इंटर्नशिप करना है, आप सोच रहे हैं कहाँ से करें, तो आप रेलवे के साथ कर सकते हैं क्योंकि रेलवे ने अच्छा मौका दिया। इसमें कोई फी नहीं है, पहली बात तो यह है। आपको फिर बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिल जा रही है रेलवे की तरफ से और अच्छा है। रेलवे के साथ इंटर्नशिप करना अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सोच रहे हैं तो रेलवे के साथ जरूर जाएँ। इसके हम डिटेल्स में बात करेंगे कैसे करना है। पहले हम आपको पीडीएफ जो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमको ऑफिशियल साइट्स पर ले चलेंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे कैसे अप्लाई करना है। ये जो आ रही है अपॉर्चुनिटी, वो ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से आ रही है। चलिए इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही अपडेट्स के लिए और जॉब अपडेट्स के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम देख लेते हैं जो आ रही है अप्लीकेशन। ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से ऑफर्स किया गया है इंटर्नशिप के लिए। आप सब्जेक्ट देख सकते, डेट देख सकते 18/2, और जो इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का, वो उसका लास्ट डेट है आपका 17/4 इसका लास्ट डेट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट देख सकते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर द सेशन 2021 के लिए किया गया है। फिर आप बात कर सकते हैं इसको कैसे अप्लाई कर पढ़ सकते हैं। एज पर द अबव रेफरेंस हैज़ बीन द डिसाइडेड टू प्रोवाइड द समर इंटर्नशिप के लिए ट्रेनिंग स्टूडेंट परस्यूइंग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड एमबीए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्टेड वर्किंग रेलवे एंड फाउंडेशन ऑफ द पॉलिसीज। अगर आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो कर रहे हैं और आपको इंटर्नशिप करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। आप परस्यूइंग हो अर्थात थर्ड ईयर्स में हो, जिससे आपको इंटर्नशिप किया जाता है उस टाइम में, ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट होता है, बी टेक हो, एम टेक हो, या एमबीए हो, बीसीए हो, जो भी आपको हो, अगर आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर करना है इंटर्नशिप तो यहाँ कर सकते हैं। इसको अप्लाई करना है ऑनलाइन एज पर दबाव लेटर इंटरेस्टेड एलिजिबल हैव टू अप्लाई थॉट ऑनलाइन मोड। ये वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ कटिंग है लेकिन यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं दर वी रिक्वेस्टेड टू काइंडली नॉमिनेटेड वन ऑफिसर डिपार्टमेंट वाइज टू कैपेसिटी इन ऑर्डर टू प्रोसेस द इंटर्नशिप प्रोग्राम। लेकिन एक खास बात ध्यान रखिएगा, आपको करना है तो वन ऑफिसर जिस डिपार्टमेंट में वहाँ से आपको कराना पड़ेगा इशूज़, अर्थात जो लेटर पर मोहर सिग्नेचर कराना पड़ता है वो इशूज़ कराना पड़ेगा आपको। इफ़ यू द रिक्वेस्ट टू इंटरमेंट प्रोवल डेट ऑफ द कंसल्टेंट टू ट्रेनिंग ऑफ द कंसल्ट डिसिप्लिन, आप जो करना चाहते हैं किसी भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं, लेकिन एक ऑफिसर का ध्यान रखिएगा कराना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं, अब 17/4 का लास्ट डेट है, कट ऑफ जारी किया जाएगा, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अप्लाई कर दें अगर करना चाह रहे हैं तो। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो आपको लेटर्स मिलता है कॉलेज से, उसके साथ में मार्कशीट लगाना है बैक ईयर्स का, उसको अप्लाई करना है ऑनलाइन। कौन कौन कर सकते हैं आप लीजिए, देखते हैं एनी इंडियन नेशनल परस्यूइंग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर डिसिप्लिन ओनली ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट या एमबीए फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल, अर्थ कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है यही सब। एडेंट पर्टिंग पोस्ट ग्रेजुएट वही सब है, फिर वही और कुछ खास नहीं है। फिर एरिया ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग लॉजिस्टिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एचआर मटेरियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अदर टेक्निकल मैटर डिपार्टमेंट रेलवे में भी असाइन इन इंटर ही सी वुड बी मेंशन सजेस्टेड हियर ही जर इंटरेस्टेड लोकेशन। आप अपने इंटरेस्टेड लोकेशन को सजेस्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ करना चाहते हैं। रिम्यूनरेशन नो रिम्यूनरेशन पेएबल एक्स्ट्रे अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, अगर रेलवे करेगी तो आपको पैसा देना पड़ेगा, अगर रेलवे कैंटीन में खाना चाहते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, कहीं आपको दूसरी जगह करना चाहते हैं तो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, पे तो कहीं कैसे भी करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर आपको करना है। फिर आपको और जो इसका है कट ऑफ निकाला जाएगा, ऑनलाइन निकाला जाएगा, ये जानकारी थी। अगर आप करना चाहते हैं रेलवे के साथ तो ज़रूर अप्लाई करें और ये पीडीएफ का पढ़ सकते। चले फिर आपको ऑफिशियल साइट्स पर ले चलते हैं, ये देख सकते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे, या ये जो जारी किया हुआ है ये रहा। और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ स्टूडेंट लॉगिन कीजिएगा तो हमने, ये तो आप वहाँ से कर सकते हैं क्या, साइन अप करके फिर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये पीडीएफ अगर पढ़ना चाहे यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये जानकारी थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।